नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण मंडल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम सीपीयू के पेपर का 5 जुलाई का पेपर करेंगे, ठीक है। और ये जो सुबह 10 बजे हुआ था, मीन्स 5 जुलाई मॉर्निंग का पेपर करेंगे, 2017 सीपीयू। ओके, इसमें मैथ्स के 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए इनएक्टिव था, क्योंकि मुझे आई इन्फेक्शन हो रखा था और वह भी आधा ही सही हुआ है। इसलिए मैं धीरे धीरे वीडियो लेके आऊंगा, जितना मुझसे हो पाएगा अभी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है द सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, आप कुछ ही मान सकते हो। मान लिया 3, 5 और 7, तीनों का सम कर लो, कितना सम होगा? 3, 5, 8 और 7, 15। 15 किससे डिवाइड हो सकता है? 3 से हाँ, 9 से नहीं, 15 से हाँ और 21 से नहीं। तुम्हारे पास दो ऑप्शन बच गए, 3 और 15, ठीक है। अब कोई भी दूसरा 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर ले लो। मैंने ले लिया 5, 7 और 9, ठीक है। इनका सम करोगे, 5, 7, 12 और 9, 21। 21 3 से डिवाइड होता है हाँ, 15 से नहीं। तुम्हारे पास आंसर बचा 3, ठीक है, क्योंकि बाकी 3 हमारे क्रॉस हो चुके हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ए बॉय एडेड ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। हाउ एवर ही एडेड वन नंबर ट्वाइस ड्यू टू विच द सम बिकम्स 215। व्हाट इज द नंबर विच ही एडेड ट्वाइस, ठीक है। फिर देखो कि 1 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर का सम कितना होता है। 1 + 2 + 3 + 20 तक जाओगे, इसका फॉर्मूला होता है n(n+1)/2। यहाँ पे n क्या है? 20। तो 20 × 21/2, 2 से 10 बार में जाएगा, तो 210 हमारा सम होना चाहिए। पर हमारा सम कितना है? 215। यानी हमारा सम कितना ज्यादा है? हमारा सम ज्यादा है 215 में 210 = 5। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 5, ठीक है। मीन्स हमारा 5 दो बार गलती से ऐड हो गया है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6/7 पार्ट ऑफ अ टैंक इज फिल्ड विद ऑयल आफ्टर टेकिंग 60 लीटर्स ऑफ ऑयल द टैंक इज इतना पार्ट फुल। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। मान लो पहले भरा है 6/7x, कैपेसिटी टैंक मैंने x मान लिया, ठीक है। एक टैंक है, इसकी पूरी कैपेसिटी x है, तो पहले भरा है 6/7x, इसमें से हमने 60 लीटर घटा दिया, अब कितना बचा? 4/5x, ठीक है। सॉल्व कर लो तो हो जाएगा ये 6/7x - 4/5x = 60। अब एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 35, ठीक है। 5 × 6 = 30 और माइनस 6 × 5 = 30 और 4 × 7 = 28, ठीक है। x = 60, ओके। तो हो जाएगा 2/35x = 60, 30 बार में जाएगा, ठीक है। तो x = 30 × 35 मीन्स x = 1050, हमारा आंसर 1050 हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू एफ एन 3 4 n विल बी परफेक्ट क्यूब, वेयर 3 4 n इज 3 डिजिट नंबर। 3 4 n एक 3 डिजिट नंबर है, ये क्यूब कब बनेगा? जब n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हमें अगर अगर आपको क्यूब याद हो तो 3 4 3 किसका क्यूब होता है? 7 का क्यूब होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए 3 4 3 मीन्स n = 3। अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो आपको याद करना चाहिए, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा, नहीं तो आपको बहुत लेंथी पड़ेगा करने को। जैसे मान लो आपने 3 4 2 माना, ऑप्शन नंबर 2 माना, ठीक है, मान के कर रहा हूँ 3 4 2 माना, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करोगे, 17 और 1, ठीक है। अभी 1 से जाएगा, अभी 3 से जाएगा, अभी दो फिर से दो फिर से दो बार 2 से नहीं आ रहा ना, अभी फिर से 2 से नहीं आ रहा है कि नहीं, तो ये क्यूब नहीं हो सकता, क्योंकि क्यूब के लिए क्या होना चाहिए? कोई वैल्यू 3 बार आनी चाहिए, ठीक है। नहीं, 3 4 2 क्या बोलते हैं? क्यूब नहीं है, ठीक है। अब आप 3 4 3 ले सकते हैं। आप देखते हैं 7 से जा रहा है, ठीक है, 7 + 28, ठीक है, 7 × 28 और 6 × 3 = 7 9 63, इसे 7 से आएगा, ठीक है, 7 × 3 = 49, फिर 7 से जाएगा, 7 × 1 = 7, मीन्स 3 4 3 = 7 3, ठीक है, मीन्स 3 4 3 3 है। आप 3 4 3 4 4 भी ले सकते हो, अगर आपने 3 आपने लिया नहीं, गलती से भी स्किप कर दिया, चेक कर रहे हो इसको, उसको डिवाइड किया 2 से, तो 17 और 2 फिर से 2 से जा रहा है, अच्छी बात है,
दो अट्ठे 16, ठीक है 16 कितना बचा, एक और दो, दो छक 12, फिर से 2 से जा रहा है, अच्छी बात है, 2 का क्यूब आ चुका है, ठीक है। अब जाएगा 43, पर 43 अब किसी का क्यूब नहीं है, ठीक है, अब ये हमारा प्राइम फैक्टर है, तो हमारा 344 भी आंसर नहीं है। इसलिए आपको प्राइम फैक्टरेशन करके देखना पड़ेगा ऐसे करके, कौन सी वैल्यू डिवाइड हो रही है और किसका क्यूब बन रहा है इस टाइप से, ठीक है। जब आपको क्यूब याद होगा तब डाइट कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, हम ए बी अपॉन सी, ठीक है, इसको हम ए प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हैं, ठीक है, तो वैसे ही मैं इनको भी तोड़ूंगा तो जाएगा, ये हो जाएगा वन 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 प्लस 1/2 प्लस 1 1 1 प्लस 1/6 प्लस 1 1 1 प्लस 1/12 प्लस 1 1 1 1 प्लस 1/20 प्लस 1 1 1 प्लस 1/30। तो ये जितने 1 1 1 है, 1111, 2 3 4 5, यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 5, मैं बस आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन डाइट कर सकता था मैं, 1 1 1 × 5 प्लस, अब जितने भी ये फैक्ट वो है क्या बोलते हैं फ्रैक्शन, इनका एलसीएम लीजिए, इनका एलसीएम आएगा 60, 2 × 30 60, 6 × 10 60, 12 5 60, 20 3 60 और 30 2 60, तो 5 5 5 प्लस ये हो जाएगा 30 10 40 45 और 5 50 50/60 मीन्स 5 5 5 5/6 हमारा आंसर हो गया है, हमारा आंसर ये हो गया है, ठीक है। तो उसे नेक्स्ट देखते हैं, अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, पी क्यू एंड आर टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज, पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 90 डेज, देन आर अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम यहाँ पे पी क्यू आर कंबाइंड टाइम दे रखा है 40, यहाँ पे हमें पी क्यू कंबाइंड टाइम दे रखा है कितना 90, ठीक है, हमें आर अलोन का निकालना है, ठीक है, तो 49 का एलसीएम एलसीएम निकालो, कितना हुआ 360, 360 हमारा एलसीएम हुआ, ठीक है, तो 40 × 9 90 × 4, ठीक है, मीन्स पी प्लस क्यू प्लस आर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 9, ठीक है, और पी प्लस क्यू की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 4, तो आर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, अगर इससे माइनस कर दोगे तो आर की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5, आर की फ्रीक्वेंसी 5 रख दो, ठीक है, डिवाइड करोगे तो 360/5 = 72 हमारा आंसर। यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाया हमारा, वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी, ठीक है, ये जो हमारे ये जो इतना पार्ट है हमारा टाइम है, जो हमारे यहाँ का पार्ट है ये हमारा एफिशिएंसी है और हमारा वर्क है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज एंड सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, दे जॉइनली कंप्लीट द वर्क एंड अर्न इतना रुपीज, व्हाट इज शेयर ऑफ सी। जो हमारा शेयर होगा साथ ही मिलके काम किया है वो हमारा शेयर होगा एफिशिएंसी के हिसाब से, तो पहले एफिशिएंसी देख लो किसका कितना है, ए बी जिसकी जितनी एफिशिएंसी होगी वो उतना काम करेगा और उतना काम करेगा तो उतने पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो एक ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, सी 15 दिन में कर रहा है, तो इनका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम में 60, 10 6 12 5 और 15 4, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैलेंसी कितनी होगी 6 5 11 4 15, और उसमें सी की वैलेंसी कितनी है, सी की वैलेंसी 4 में सी 4 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, टोटल टोटल यूनिट्स कितनी है 15, ठीक है, तो सी के कितने पैसे मिलेंगे 4/15 × 4500, ठीक है, 15 × 45 300 में सी की वैल्यू हो जाएगी 1200, ठीक है, आंसर हमारा 1200, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 3/4 ऑफ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू
फाइव अपॉन सिक्स ऑफ सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट, लिख लेते हैं 3/4 मार्क प्राइस इक्वल टू 5/6 सेलिंग प्राइस। सॉल्व करते हैं तो जाएगा 18 MP इक्वल टू 20 SP, ठीक है, मीन्स 9 MP इक्वल टू 10 SP। इसको मतलब क्या हुआ, एमपी की वैल्यू 10 रख सकते हैं और एसपी की वैल्यू 9 रख सकते हैं, तो इसको मतलब अभी 90 हो जाएगा, 9 10 90, ठीक है, मीन्स एमपी की वैल्यू 10 रख सकते हैं और एसपी की वैल्यू 9 रख सकते हैं, ठीक है। अगर एमपी 10 हो एसपी 9 हो डिस्काउंट कितना हो गया 1, डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया 1/10 × 100 इक्वल टू 10% हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एन आर्टिकल हैविंग मार्क प्राइस रुपीज 2400 इज सोल्ड फॉर इतना, व्हाट इज डिस्काउंट परसेंट। दोस्तों फिर से सिंपल क्वेश्चन आ गया हमारा, हमारा एमपी 2400 है, एसपी 1872 है, तो डिस्काउंट कितना आया हमारा, डिस्काउंट आया हमारा माइनस कर दो तो जाएगा 8, ये जाएगा 2, ये जाएगा 5, ठीक है 528, तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया 528 बट्टा 2400 इंटू 100, सॉल्व करो 2 0 2 0 गए, ठीक है अभी मैं काट रहा हूँ 12 से, तो 12 2 24 12 4 48 कट जाएगा क्या, फिर 12 4 48 कट गया, फिर 22 बार में जाएगा तो आंसर होगा डिस्काउंट हमारा 22%, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल ही है, क्वेश्चन दे रखा है 3P इजिकल टू 2Q इजिकल टू 3R, ठीक है ये दो क्वेश्चन दे रखा है दो लाइन में, कि मैंने एक बार में लिख दिया क्योंकि सेम ही है 2Q 2Q, ठीक है फिर मैं एक अलग अलग कर देता हूँ। 3P इक्वल टू को दे रखा है, मीन्स P की वैल्यू 2 ले सकते हैं और Q की वैल्यू 3 ले सकते हैं, ठीक है यहाँ लिख लो PQR, P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू 3, ठीक है। अब अगला है 2Q इक्वल टू 3R, मीन्स Q की वैल्यू कितनी आएगी 3 और R की वैल्यू कितनी आएगी 2, Q की वैल्यू 3 और R की वैल्यू 2, ठीक है तो Q की वैल्यू 3 R की वैल्यू 2, तो इनका एलसीएम निकाल लो, अरे यार इनका एलसीएम आएगा 3, ठीक है दोनों सेम ही है तो P की वैल्यू 2 और R की वैल्यू 2, ठीक है तो आंसर हो गया 2 3 2, ठीक है दोस्तों वन सेकंड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अमन कमल एंड मनन इज 4:5:6 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय अमन कमल एंड मनन रिस्पेक्टिवली टू कवर द सेम डिस्टेंस। ओके देखो हमें स्पीड रेशियो दे रखा है कितना 4:5:6, टाइम रेशियो क्या होगा, टाइम रेशियो इसका इनवर्स होगा, मींस 1/4:1:5/1:6, ठीक है। अब इसका रेशियो निकाल लो किस फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में कर लो, तीन तीनों का एलसीएम कितना होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा 60 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 जाएगा और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10, तो आंसर हो गया 15 12 10, ठीक है। और दोस्तों ये इनवर्स क्यों होता है स्पीड और टाइम का, जो अगर रेशियो गिवन हो, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, अगर डिस्टेंस कॉमन हुआ ठीक है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर डिस्टेंस कॉमन हुआ ठीक है तो स्पीड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, ये हमारा आ जाता है, ठीक है तो इसी वजह से हमारा स्पीड और टाइम का जो रेशियो है, अगर एक इस फॉर्म में दूसरा उसका इनवर्स फॉर्म में होगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली डी भी लिख दोगे तीनों में, डी 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 कट जाएंगे तीनों, तो रेशियो हमारा वही आएगा, ठीक है। तो सर नेक्स्ट करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 36 रिजल्ट्स इज 18, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रिजल्ट व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ द रिजल्ट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें पहले से एवरेज गिवन है 36, अब सारे रिजल्ट से हमें 2 सब्ट्रैक्ट करने को कह रहे हैं तो नया एवरेज बताओ। तो सिंपल है 18 -2 = 16, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारा 36 रिजल्ट का एवरेज 18 है, तो मान लो कि ऑल 36 नंबर्स आर 18, सबकी वैल्यू 18 है, सबकी वैल्यू 18 है ऑल की, ठीक है सबकी वैल्यू 18 है, अब सबकी वैल्यू में से दो दो कम कर देने, सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, तो सबकी वैल्यू 16 होगी तो एवरेज कितनी हो जाएगी 16, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है द एवरेज मार्क्स ऑप्टेन बाय 140 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन इज 90। 140 बच्चों के 90 मार्क्स है एवरेज। ठीक है, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट्स इज 120, पास वालों को 120 है, फेल वालों के 90 है, ठीक है, देन व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल द एग्जामिनेशन। ठीक है, ओके, समझ गया। देखो टोटल बच्चे कितने हैं, 140, उसमें से पास वाले बच्चे कितने ये नहीं पता हमें, पर फेल वाले कितने बच्चे हैं ये पता है, फेल बच्चे हमारे 90 है, तो पास वाले बच्चे कितने हैं 50। ठीक है, पास वाले बच्चे 50 है, फेल वाले बच्चे 90 है। ठीक है, अब हमारा टोटल एवरेज कितना है 90। ठीक है, पास वालों का एवरेज कितना है 120, फेल वालों को हमें पता नहीं है। ठीक है, और ये पास वाले हैं और ये फेल वाले हैं, इनके रेशियो कितना है 50:90 मीन 5:9। ठीक है, 5:9। अब आप इसका क्या लगा लोगे, एलिगेशन, और यहाँ की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे, जो हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है, ये जाएगा 120, वन सेकेंड है दोस्तों, कंटिन्यू, 120 माइनस 90 अपॉन वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है, मीन सब जो ये वाली वैल्यू होगी ये 90 से छोटी होगी, तो ये आएगा 90 माइनस एक्स, इसे मैंने एक्स मान लिया, इजिकल टू 120 माइनस 90 इजिकल टू 9, और एक्स 90 माइनस एक्स इजिकल टू 5, हमारा रेशियो इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो और एक्स निकाल लो। ठीक है, तो ये आएगा 30 अपॉन 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 3.3 किया तो जाएगा 90 माइनस एक्स इजिकल टू 50 अपॉन 3 हो जाएगा 16.66, मीन 90 माइनस एक्स इजिकल टू 16.66 मीन एक्स इजिकल टू 90 माइनस 16.66 इजिकल टू 73.33 हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखो जब भी हम एडिशन लगाते हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो ये वाली वैल्यू होती है बीच वाली वैल्यू, ठीक है, उसमें उससे एक वैल्यू बड़ी होती है और एक वैल्यू छोटी होती है, मीन्स 120 अगर बड़ी है तो एक्स वैल्यू छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो सो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है, अ शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल्स इज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 930 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम वेट, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द शॉपकीपर। ठीक है, एक किलोग्राम की जगह 930 ग्राम बेच रहा है तो उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 70 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, और एक्चुअल कितना बेच रहा है 930, मींस 930 ग्राम पे उसे 70 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 70 बट्टा 930 इंटू 100 हो जाएगा, जीरो से जीरो गया, 700/93 इसके हो जाएगी 7 पॉइंट कुछ, क्यों कि 100 अगर 700 का 100 होता तो 7 आंसर होता, पर 100 से थोड़ा कम है, मीन 7 से थोड़ा ज्यादा आएगा आंसर, तो 7 पॉइंट कुछ सॉल्व कर लो, या तो आप खुद एज्यूम लगा लो 7 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि 93 इंटू 8 कितना होता है, 8 किया 24, 8 9 72 2 74, 744, पर 700 से कम, 744 से कम है, मीन आंसर 7 पॉइंट कुछ होगा। ठीक है, ओके, 93 इंटू 7 करोगे, ठीक है, तो 7 के 21 7 9 63 2 65 मीन्स 751 और 744, इसके बीच में 700, इसकी अगर ये वाली वैल्यू होती तो 7 आंसर आता, ये वैल्यू होती 8 आंसर आता, पर बीच में हमारा 700 है तो आंसर होना चाहिए 7 पॉइंट कुछ, और लगभग बीच में तो 7.5 का आंसर अप्रोक्स आंसर आएगा, तो आंसर है 7.52। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अब, और 7 के आसपास कोई अप्रोक्सीमेशन है भी नहीं, 7.52 अकेला 7 वाला था, इसलिए आराम से लग गया आंसर। ठीक है, अगर 7.5853 इस टाइप से होते तो आपको पूरी तरह डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, और मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको पूरी तरह डिवाइड करना पड़ जाता है कई बार। ठीक है, तो उसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इतना परसेंट लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन, इफ अ मैन सेल्स 4 पेंसिल एट कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेन देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा टफ सा लग रहा है, लेकिन है सिंपल सा समझना है। तो पेंसिल को कहा है कि पेन से इतना परसेंट लेस है, तो आप मान लो
कि पेंसिल ये है, पेन ये है। अगर पेन का प्राइस 4 होगा तो पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा, सॉरी अगर पेन का प्राइस 3 होगा तो पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, क्योंकि 33.33% लेस है। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि 4 पेंसिल बेच रहा है 5 पेन के बराबर में। ठीक है, तो 4 पेंसिल का दाम निकाल लो, 4 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 4 पेंसिल दाम हो जाएगा 4 दूनी 8, जो बोल रहे पहले से लिख लेते हैं। ठीक है, 4 पेंसिल दाम इतना है, और 5 पेंस का दाम कितना है, 5 पेन का दाम है 15, 5 × 3 = 15। अबे कह रहा है कि वो 4 पेंसिल 8 रुपए की जगह 15 रुपए में बेच रहा है, तो उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है 7 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, 7/8, क्योंकि हमारा बेस ये है, × 100 = 87.5% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बस थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन अगर आप इसको एक एक स्टेप करके देखोगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर पूछ बोल रहे हैं कि इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 50%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ सर्कल। तो जो हमारे सर्कल का एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जो पाई हमारा कॉन्स्टेंट है, मीन्स ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब परसेंटेज की बात कर रहा है, परसेंटेज इंक्रीज, तो हमें कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, हमें कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए मैंने इस टाइप से लिख दिया है। तो सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर आर 50% इंक्रीज हो रहा है तो ए कितना इंक्रीज होगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मीन्स दो बार आर आएगा, मीन्स r + r + r × r/100, तो जाएगा 50 + 50 + 2500/100, मीन्स आंसर हो गया 125। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आप और तरीका अपना सकते हो कि आप r की वैल्यू 10 मान लो, अब इनकी जो है 50-50%, अब r की वैल्यू कितनी होगी 15, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी जाएगी 100, जो आर स्क्वायर है तो 100, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी जाएगी 225। ठीक है, हमारा इंक्रीज कितना हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है 125। ठीक है, हमारा बेस कितना है 100, तो 125/100 × 100 = 125% हमारा आंसर हो गया कि हमारा एरिया इंक्रीज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट भी सेम ही क्वेश्चन है। इफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 35%, हाइट इंक्रीज हो रहा है 35%, रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है 10%, तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर कितना इंक्रीज होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया 2 π r h, मींस सी एस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r × h। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला आ सकते हो, हमें r दे रखा है कितना परसेंट, 10%, और s दे रखा है हमें कितना परसेंट, 35%। तो लगा लो फॉर्मूला सीधे, तो हमारा सी एस ए जो हमारा इंक्रीज होगा, सी एस ए परसेंट जो इंक्रीज होगा वो होगा r + h + r × h/100। ठीक है, तो आर कितना है 10, एच है 35, प्लस 10 × 35 350/100, दोनों प्लस में है तो प्लस लिख सकते हो, अगर बोलेंगे डिक्रीज हो तो माइनस लिखोगे। ठीक है, मीन्स अगर आर बोलते ना डिक्रीज बाय, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज होता मान लो, तो अब बोलते r = -10%। तो अब सॉल्व करते हैं, फॉर्म रखते हैं, पर इंक्रीज है तो हमारा सिंपल हो गया है, माइनस माइनस नहीं लग रहा, सब जगह प्लस आ रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, 45 + 3.5 = 48.5% हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, ओके। नहीं तो आप सिंपली वही से जैसे मैंने पहले किया था कि r इक्वल टू 10 लिया था पिछली एग्जांपल में, यहाँ पे r इक्वल 10 और h इक्वल टू 10 लेके कर सकते हो। ठीक है, आप 10 चाहो तो 100 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, कुछ भी लो तो उससे आपका सी एस निकल जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ करोगे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, उससे हमारा आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ए बोट गोज 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 20 मिनट्स, और 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 753 मिनट्स, व्हाट इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन करें। 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम से लिखते हैं 2u + 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम
प्लस थ्री डी इक्वल 20 मिनट्स मीन्स 1/3 आवर। ठीक है, अगला लिखते हैं 7u प्लस 2d इक्वल टू 53/60। यहाँ पे u क्या होगा 1/x-y और d क्या होगा 1/x+y। यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट है, बोट की स्पीड है। ठीक है, और y क्या है, स्टीम की स्पीड है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आप यो ड्यू निकाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसे, तो इसे भी 20/60 लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ 53/60 है, हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 3d है, ये 2d है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4u प्लस 6d इक्वल टू 40/60, और हो जाएगा 3 से 21u प्लस 6d इक्वल टू 3 × 9 3×5 = 15, सही है, बट्टा 60, 60 तो कॉमन ही है ना। ठीक है, तो आप माइनस कर दो, इससे इसको माइनस कर दो तो जाएगा 17u इक्वल टू 119/60। ठीक है, 17 × 7 = 119। ठीक है, तो u इक्वल टू 7/60, यू इक्वल कितनी निकल जाएगी 7/60, तो यू इक्वल पुट कर दो, डी इक्वल निकाल लो, यहाँ पे यू इक्वल पुट कर देता हूँ, 2 × 7/60 प्लस 3d इक्वल टू 20/60 मीन्स 3d इक्वल टू 20 में से 14 चले जाएगा तो बचेगा 6/60। ठीक है, 3 × 6 मीन्स d इक्वल टू 1/30, डी क्यू निकल गए 1/30 और इक्यू निकल जाएगा 7/60। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो और हमारा x और y निकाल लो। ठीक है, तो सिमटा देता हूँ। ठीक है, आप याद कर लो 1/30 और 7/60। ठीक है, तो मैं थोड़ा जगह बना रहा हूँ क्योंकि हमारे इनिशियल इक्वेशन थी, ये 0 को नहीं मिट रही है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं, हमारी इक्वल है 7/60, यहाँ पुट कर दो 7/60 और डी की वैल्यू कितनी है 1/30। सॉल्व करो अब, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 60/7 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, स्पीड ऑफ बोट, वैसे हमें x की वैल्यू चाहिए, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कितना जाएगा 2x इज इक्वल टू 30/60/7। ठीक है, मीन्स x इज इक्वल टू 15/30/7। ठीक है, तो x इक्वल टू 15 × 7 = 105 और 30 = 135/7, तो आंसर आ गया हमारा 135/7। ठीक है, तो सो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखने पर आप इस लाइन को याद कर लीजिएगा, इस टाइप से करोगे तो आपको इक्वेशन सॉल्व करने में इजी पड़ेगा, ई और डी को फॉर्म में करोगे तो इजी पड़ेगा, उससे आपका एक्स वाई इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो सो नेक्स्ट देखते हैं, आ ट्रेन कैन ट्रेवल 25% फास्टर देन अ कार, बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड रीच 160 किलोमीटर अवे एट द सेम टाइम, ऑन द वे ट्रेन टेक्स 40 मिनट्स फॉर स्टॉपिंग एट स्टेशन, व्हाट इज द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ कार ट्रेन कार। या ट्रेन लिख लेते हैं या कार लिख लेते हैं, सॉरी या स्पीड लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको मेरे नोट्स में लिख रखा है, यहाँ पे स्पीड लिख लेते हैं, यहाँ टाइम लिख लेते हैं, यहाँ पे ट्रेन लिख लेते हैं और यहाँ कार लिख लेते हैं। ठीक है, तो ट्रेन का ट्रेवल 25% फास्टर देन कार, तो कार के लिए अगर 4 होगी तो ट्रेन के लिए उतनी जाएगी 5, 25% एक्स्ट्रा। ठीक है, स्पीड के मुकाबले, अब अगर स्पीड का रेशियो 5:4 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा 4:5। ठीक है, मीन्स अगर अगर कोई ट्रेन 4 घंटे में कंप्लीट कर रहा है तो कार उसे 5 घंटे में करेगा। ठीक है, अब देखो इनके बीच का गैप कितना है, गैप इज इक्वल टू 1 है, पर हमें गैप कितने दे रखा है 40 मिनट्स, मीन्स 1 = 40 मिनट्स। ठीक है, मीन्स 4 = 160 मिनट्स और 5 = 200 मिनट्स। ठीक है, ओके,
तो अब पूछ रहे हैं कि डिफरेंस इन स्पीड्स ऑफ ट्रेन एंड कार, ठीक है, डिफरेंस बताना है हमें। तो हमें टाइम चल गया पता कि 160 मिनट में ट्रेन कवर कर सकती है 165 किलोमीटर और कार कर सकती है 165 किलोमीटर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू डिस्टेंस कितना 165, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, और स्पीड ऑफ कार इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब दोनों के डिफरेंस करोगे तो माइनस कर लो, तो माइनस करोगे तो करिए डिफरेंस इक्वल टू 165 कॉमन, 1/160 माइनस 1/200, ठीक है। सॉरी मिनट में है ना दोस्तों, इस मिनट को 60 से डिवाइड करके आवर में चेंज करो तो 60 भी आएगा एक्स्ट्रा, ठीक है, इनटू 60 भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ 60 आएगा और यहाँ 60 आएगा। अब सॉल्व करो इन्हें और आंसर निकालो, जगह कहाँ बच रही है इसमें, चलो जगह निकाल देते हैं। 160 का 0 से 0 हटा दो, 0 0 हटा दो, ठीक है, और 2 3 6, 2 8 16, 2 3 6, 2 10 20, ठीक है। अब इन कैल्शियम कर लेते हैं तो आ जाएगा 165 इंटू 3 ब्रैकेट में 40, ठीक है, 8 5 40 और 10 6 40, तो आंसर आ जाएगा 165 इंटू 3 इंटू 1 1 40, 165 इंटू 3 इंटू 1 बाई 40। अब करिए इसको सॉल्व, 5 से जाएगा, 5 3 15, 5 3 15, 5 8 40, 33 × 3 99/8, सॉल्व करिए 12 8 96 पॉइंट में जाएगा, तो 3 0 8 3 24, ठीक है। तो आंसर देखिए 12.3 का आ रहा है, आप कर लीजिएगा, ठीक है, तो आंसर होगा 12.375, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ए अमाउंट वॉज लेंट फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 18% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली, ठीक है। हैड द कंपाउंडिंग बीन हाफ एयरली द इंटरेस्ट वुड हैव इंक्रीज बाय 324, व्हाट वाज द अमाउंट, ठीक है। अगर एसआई दे रहे हैं 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए, तो एसआई का रेट रेट कितना है, एसआई का रेट, ठीक है, रेट ऑफ, मैं रेट के लिए कर रहा हूँ। अगर एसआई की रेट क्या है, अगर एसआई 1 ईयर के लिए तो 18% है, फिर से रेट क्या है अगर सीआई 1 ईयर के लिए हो लेकिन हाफ ईयर लिए हो, हाफ ईयर लिए हो तो क्या होगा, ये होगा 9 + 9 + 9 × 9/100 मीन्स 18 + 0.81, हमारा कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 0.81% हमारा एक्स्ट्रा मिलेगा हमें अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली देंगे तो। अगर 0.81 एक्स्ट्रा, 0.81 एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इसके हिसाब से हमें 324 में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है, मीन्स 0.81% इज इक्वल टू 324, तो 100% क्या होगा, मीन्स हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, ये होगा 324/0.81 इंटू 100, 2 0 जाएंगे 81 × 4, तो 400 × 100 मीन्स 40,000, ठीक है। तो वैसे समझ सकते हो एस आई पूरा जा रहा है 1 साल के लिए 18%, यहाँ जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जैन से लेके दिसंबर तक 1 साल के जा रहा है 18%, और सी आई जा रहा है हमारा जैन से लेके जून तक 9%, फिर जून से लेके दिसंबर तक 9%। तो सी आई का जो हमारा एक्चुअल परसेंटेज हमारा 9 + 9 × 9/100 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अ सर्टेन सम बिकम्स 5 टाइम्स इन 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, तो देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 13 टाइम्स, ठीक है। मैंने आपको कहा था अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो जो हमारा टाइम और एस आई ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अगर हमें सी आई के फॉर्म में दे रखा हो तो टाइम और अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। ये जगह ये है हमारा जब एस आई दे रखा हो, और ये हमारा तब जब हमें सी आई दे रखा हो, हमें क्या दे रखा है इस वक्त, एस आई दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो 5 साल, 3 साल में, 3 ईयर में हमारा अमाउंट हो रहा है
5p, 5 गुना, ठीक है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 4p, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो ऐसा हो गया 4 और टाइम हो गया 3, ठीक है। 3 साल में 4 गुना ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। मीन्स 6 साल में 8 गुना ऐसा ही होगा, 9 साल में 12 गुना ऐसा ही होगा। मीन्स जो हमारा ऐसा के फॉर्म में होते हैं, ये दोनों एपी में होते हैं, मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, एपी में होते हैं दोनों, ठीक है, एपी एपी। पर सीआई के वक्त में ये वाला टर्म जो टाइम होता है एपी होता है, लेकिन अमाउंट जो होता है हमारा जीपी होता है, ठीक है। अगर सीआई में दे रखा हो कि 1 साल में दुगुना हो रहा है, सॉरी 2 साल में तिगुना हो रहा है, अगर ऐसा दे रखा आपको, ठीक है, नहीं इसको इसी को मान लेते हैं, ठीक है, कि 3 साल में 5 गुना हो रहा है एट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 3 साल में 5 गुना हो रहा है, तो 6 साल में 25 गुना होगा, ठीक है, 9 साल में 125 गुना होगा, ठीक है, इस टाइप से होता है, ठीक। तो हमें क्या चाहिए था, हमें क्या चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन में, इट विल बिकम 13 टाइम्स। 13 टाइम्स कब होगा, जब हमारा ऐसा हो जाएगा 13p माइनस p इक्वल टू 12p। जब हमारा ऐसा 12 टाइम्स होगा तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 13 टाइम्स। तो हमारा ऐसा यहाँ पे 12 टाइम्स हो चुका है, मीन्स आंसर हमारा 9 ईयर होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा है, द लाइन चार्ट गिवन बिलो रिप्रेजेंट द रन स्कोर बाय कोहली एंड शर्मा अगेंस्ट 5 टीम्स, ठीक है, कोहली शर्मा ने रन बनाया ये, ठीक है। व्हाट इज द टोटल रन स्कोर बाय कोहली अगेंस्ट 5 टीम्स, जोड़ लीजिए, कोहली काला है, ठीक है, तो 1000, सब में 100 सौ एक्स्ट्रा है, तो मैं 10 लिख लेता हूँ या 11 लिख लेता हूँ या 14 लिख लेता हूँ या 5 लिख लेता हूँ, 8 लिख लेता हूँ, सबको सम कर लो, 10 11 21, 21 और 14 35, 5 40 8 48, तो कोहली हो गया 4800 रन मारने वाला इंसान, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रन स्कोर्ड बाय कोहली अगेंस्ट टीम्स क्यू एंड आर एंड टोटल रन स्कोर्ड बाय शर्मा अगेंस्ट टीम्स क्यू एंड आर। कोहली ने क्यू और आर के खिलाफ कितने रन बनाए, 1100 और 1400। शर्मा ने कितने बनाए, 700 और 1000। तो कोहली के रन कितने हैं, 2500, शर्मा के रन कितने हैं, 1700, तो डिफरेंस कितना हुआ दोस्तों, 800, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रन स्कोर बाय कोहली अगेंस्ट टीम एस इज हाउ मच परसेंट लेस, यहाँ क्या बोला है, हाउ मच परसेंट लेस, अब लेस पे फोकस करिए, ठीक है, देन द रन स्कोर बाय शर्मा अगेंस्ट एस। शर्मा ने कितना मारा इसके खिलाफ, 1200, और कोहली ने कितना मारा, 500, तो कितना लेस हुआ, 700, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बेस करना चाहिए शर्मा, क्योंकि यहाँ पूछा लेस देन शर्मा, तो शर्मा के रन कितने हैं, 1200, तो 700 बट्टा 1200 इंटू 100, हम निकालो परसेंटेज, तो जाएगा 700 भागा 12, 12 5 60, 100, 12 96.40, 12 3 36, 40, 12 3 36, तो आंसर जाएगा 58.33, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल रन स्कोर पे शर्मा अगेंस्ट 5 टीम्स इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल रन स्कोर पे कोहली अगेंस्ट 5 टीम्स। दोस्तों कोहली ने कितने मारे थे, पांचों खिलाफ 4800, पहले क्वेश्चन निकाल दिया था हमने, शर्मा देखते हैं कितने मार रहा है, 8 7, 1000 मिस 10, फिर 12, फिर 13, 8 7 15, 10 25, 12 37 और 13 50, शर्मा मार रहे हैं 5000 रन, कोहली मार रहे हैं 8 48 रन, ठीक है। आप पूछ रहे हैं टोटल रन स्कोर पे शर्मा अगेंस्ट 5 टीम्स व्हाट परसेंट ऑफ टोटल, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल, यहाँ पे लेस और मोर कुछ नहीं बोला है, ठीक है, लेस मोर कुछ नहीं बोला है, मीन्स यहाँ पे 5000 बट्टा 48 होगा, क्योंकि यहाँ बेस हमारा कोहली है, इंटू 100 करेंगे, ठीक है, तो 2 0 2 0 कट गए, यहाँ 25 हो गया और यहाँ 24 हो गया, ठीक, यहाँ 6 हो गया और यहाँ फिर से 25 आ गया,
25 625 भागा 6 सॉल्व कर लो, 1104.10, 6 कम 6 40, 4 6 36 तो हमारा आ जाएगा 104.16। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप बस क्वेश्चन में लेस मोर का ध्यान रखिएगा, लेस मोर पूछा तब उसके हिसाब से कीजिएगा, लेस मोर नहीं पूछे तो टोटल के हिसाब से काम करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ अ गिवन कोन बिकम्स 4 टाइम्स एंड द रेडियस ऑफ बेस बिकम्स ट्वाइस, देन द व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन एंड द वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन। ठीक है, मान लो गिवन कोन है ये है और न्यू कोन ये है। ठीक है, गिवन कोन में हमारा रेडियस 1 है और हमारा हाइट भी 1 है, तो न्यू कोन में हमारा हाइट 4 टाइम्स हो गया, तो हमारा हाइट होगा न्यू कोन में 4 और रेडियस हो गया ट्वाइस, तो आर इज इक्वल टू कितना, 2, कैपिटल लिख लेते हैं, कैपिटल आर इक्वल टू। अब बोल रहे हैं कि रेशियो वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन तो न्यू कोन, ठीक लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ गिवन अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यू इक्वल टू, वॉल्यूम क्या होता है कोन का फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, दोनों कट गए, पाई से पाई कट गया, यहाँ पे आर वैल्यू 1 × 1, आर स्क्वायर वैल्यू 4 × 4 मीन्स 1/16 हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 26 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ट्रेपेजियम ये है हमारा, ठीक है, एक की वैल्यू है 26, दूसरी वैल्यू है 40 पैरेलल साइड्स की, ठीक है, और एरिया दे रखा है हमें 792, तो हमें पैरेलल साइड का डिस्टेंस निकालना है, हमें ये निकालना है, एच से एच मान लेते हैं। ठीक है, हमें फॉर्मूला अगर आपको याद हो एरिया का, इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल इंटू हाइट, हाइट हमने एच ले रखा है, तो हाफ इंटू पैरेलल साइड सम कितना हुआ, 26 और 40 66 इंटू एच, हमें एरिया कितना गिवन है 792, तो कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व, एच इक्वल टू 792, सॉरी 792 इंटू 2/66, 2 से 33, 11 3 33, 11 77, 11 2 22, 3 24, तो आंसर हो गया हमारा एच इक्वल टू 24। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज सेम एज द एरिया ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो सर्कल का हम रेडियस मान लेते हैं आर और स्क्वायर का हम साइड मान लेते हैं ए। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो आर अपॉन ए इजिकल टू, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख लेते हैं इजिकल टू 1/π। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डायमीटर, मीन्स हमें 2r डायगोनल निकालना है, मीन्स √2a, हमें निकालना है 2r अपॉन √2a मीन्स √2 r अपॉन a निकालना है हमें। ठीक है, तो पहले r अपॉन a निकाल लो, तो r अपॉन a इक्वल टू 1/√π, तो जो हमें गिवन निकालना है इसको निकाल लो, √2 × 1/√π, आंसर हो गया √2 √π। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर डायगोनल 16 सेंटीमीटर, तो एरिया बताओ। ठीक है, मान लो रोम्बस है, पेरीमीटर कितना 40, तो हर साइड कितनी हो जाएगी 10 10 10 10। ठीक है, एक डायगोनल कितना है 16, तो 16 मान लेते हैं, दूसरे डायगोनल को आप ए मान लेते हैं, सिर्फ ए मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी, इसे वो मान लेते हैं बीच वाला टर्म, ट्राइंगल ए बी ओ देखिए, ए बी ओ देखिए, इसका लो 10 है, इसका लो 8 हो जाएगी क्योंकि डायगोनल हमारा 62 होता है, तो 16 का हम हाफ कर देंगे 8, और यहाँ पे ए मान लेते हैं, ए मान रखा है क्योंकि हमें दूसरा जो डायगोनल मान रखा है हमने 2a मान रखा है। ठीक है,
तो एक वैल्यू निकालिए, अगर सॉल्व करोगे पाइथागोरस ट्रिपलेट, क्योंकि 90 डिग्री पे कटता है ये, ठीक है 90 डिग्री पे कटता है, तो इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अगर एक वैल्यू 6 हो गई, सेकंड डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी, सेकंड डायगोनल की वैल्यू होगी हमारी 6 × 12, ठीक है। और फर्स्ट डायगोनल की वैल्यू कितनी है हमारी, कितनी है 16, एरिया कितनी हो जाएगी, एरिया इज इक्वल टू 1/2 × d1 × d2, डायगोनल 1 × डायगोनल 2 इंटू 16 × 12, सॉल्व करोगे आंसर हो जाएगा 96, ठीक है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, टू आइडेंटिकल सर्कल्स इंटरसेक्ट सो दैट द सर्कल्स एंड पॉइंट्स एट विच द इंटरसेक्ट फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ 2 cm, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पॉइंट दैट इज कॉमन टू द टू सर्कल्स। वन सेकंड दोस्तों, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था, हमें क्वेश्चन करना है, मान लो दो सर्कल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गए, ठीक है, और ऐसे करके हमारा क्या बन गया, स्क्वायर फॉर्म, ठीक। तो हमें बीच का एरिया निकालना है, ठीक है, जो हमारा एरिया है, ठीक, ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ऐसे, ठीक है, दो पार्ट में, एक इधर ऐसे कर डिवाइड हो रहा है, दूसरा, ठीक है, इस टाइप से। तो हम अगर एक पार्ट, एक एक पार्ट के लिए निकाल लेंगे, दूसरा अपना आप निकल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मैं ये वाला सर्कल ले रहा हूँ, इस सर्कल में देखिए इस टाइप से है, और यहाँ पे हमारा कॉमन एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ट्रायंगल फॉर्म है, और यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है, ये 2 cm है और ये 2 cm है, ठीक है। इसे मैं वो मान लेता हूँ, इसे ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ, ठीक है, इसे सी मान लेते हैं। तो जो हमारा ए बी सी माइनर सेगमेंट का जो एरिया है वो निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट ए बी सी, ये क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर ओ ए सी बी, ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। सेक्टर की वैल्यू निकालिए 90 डिग्री है, मीन सर्कल का, अब एरिया निकालिए सर्कल का, एरिया मीन्स पाई आर स्क्वायर, मीन्स पाई 2 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। हमें 360 डिग्री में से 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, टोटल 360 होती है, हमें 90 के एरिया निकालना है, ठीक है। तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू टू, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर है, तो सॉल्व कर लीजिए, 1/4, और 4 से 2 स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा, पाई माइनस 2, हमारा आ गया पाई माइनस 2 एक साइड का एरिया। दूसरे साइड का एरिया कितना जाएगा, सेम होगा, तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है इक्वल टू 2 × π − 2 इक्वल टू 2π − 4 हमारा आंसर, ठीक है। उस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट है, इफ x माइनस वाई इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 9xy, सॉल्व करिए इसे। तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 दे रखा है, हमें चाहिए क्यूब, तो इसे क्यूब कर लेते हैं, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई इक्वल टू 3 मीन्स x क्यूब, सॉरी 3 का भी क्यूब होगा ना, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 3, पुट कर दो, मीन्स 9xy इक्वल टू 27। हमें किस कलर चाहिए, इसी की वैल्यू चाहिए, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 27, तो हमारा आंसर होगा 27, ठीक है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x + 1 = 0, तो हमें चाहिए एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इससे हमें एक्स प्लस 1/x² निकल जाएगी, कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 = 9x, ठीक है, एक्स कॉमन हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1/x = 9, अब क्यूब कर लो, तो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 × 9 इक्वल टू 989, 729, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल टू 702 हमारा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, a plus b plus c equal to 0 and none of a, b, c is equal to 1, then what is the value of this?
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको अज्यूम कर लो कि इनकी वैल्यूज, मैंने ए की वैल्यू 0 मान लेता हूँ, बी की वैल्यू 1 मान लेता हूँ और सी की वैल्यू 2 मान लेता हूँ। सॉरी, बी की वैल्यू 1, कोई भी 1 नहीं है ना, तो बी की वैल्यू कुछ और मानते हैं, बी की वैल्यू 3 मान लेते हैं, ठीक है, बी की वैल्यू 3 मान लेते हैं, सी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है, कोई भी इक्वल टू 1 नहीं है, तो मैंने ऐसे ज़ूम कर लिया। आप कुछ भी ज़ूम कर सकते हो, आप ज़ूम कर सकते हो इक्वल टू -1, बी इक्वल टू 0, तो सी इक्वल टू 4 हो जाएगा। आप कुछ भी ज़ूम कर सकते हो, मैंने इस टाइप का ज़ूम कर लिया। सॉल्व करते हैं, 1 अपन 1 माइनस मीन 1 माइनस 0 1, 1 माइनस बी मीन्स -2, ठीक है, प्लस 1 माइनस बी मीन्स -2, 1 माइनस सी मीन्स 1, प्लस 1 अपन 1 माइनस सी मीन्स 1, 1 माइनस ए मीन्स 1। सॉल्व करते हैं तो जाएगा -1/2 प्लस -1/2 प्लस 1 इक्वल टू 0 हमारा आंसर, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है, सॉल्व करके पता चल जाएगा इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो वैल्यू विज़म को सकते हो, पर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको यादों से लिख लेते हैं, माइनस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हमारे इसका वैल्यू हो गया फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख दिया मैंने ये, ठीक है, तो अपॉन कर लेते हैं पूरा, अपॉन ए बी कॉमन हो गया ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी ऊपर भी ए माइनस बी नीचे भी है, ठीक है, कट जाएंगे ये, कैसे कटेंगे, ए माइनस बी कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए बी ए माइनस बी, इससे कट गया, ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, क्या बचा, माइनस ए बी अपॉन ए बी इक्वल टू -1 हमारा आंसर, ठीक है। पर आपको फॉर्मूला वगैरह याद ना तो अज्यूम कर सकते हो, ए की वैल्यू आप 1 अज्यूम कर लो, बी कर लो 2 अज्यूम कर लो, अलग अलग अज्यूम करोगे ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है, सेम अज्यूम करोगे तो नीचे की वैल्यू डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, हमें डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं करना होता, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 1 मान ली, बी कर 2 मान ली, तो सॉल्व कर लो, 1 प्लस 4 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 8 अपॉन 1 इंटू 2 2 माइनस 4 हो जाएगा 5 5 माइनस कितना हो जाएगा -7 5 प्लस 7 अपॉन -2, ठीक है, 5 नहीं होगा -5 है दोस्तों, ठीक है, -5 प्लस 7 क्योंकि माइनस आएगा, -5 प्लस 7 अपॉन -2 तो जाएगा 2 अपॉन -2 इक्वल टू -1, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट है व्हाट इज द सिंपलीफाइड वैल्यू ऑफ दिस। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपने पिछले सीपीयू के क्वेश्चन में देखे होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें x की पावर 128 प्लस 1 दे रखा है, हमें x की पावर 164 प्लस 1 दे रखा है, फिर इसका हाफ कर लो, 32 भी दे रखा है, 16 भी दे रखा है, इसका भी हाफ 8 भी दे रखा है, 4 भी दे रखा है, 2 भी दे रखा है और 1 भी दे रखा है, x की पावर 1 भी दे रखा है, बस हमें x की पावर -1 चाहिए, ठीक, ओके। अगर x की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है, तो इसका जो पूरा फॉर्मूला आएगा x की पावर 256 माइनस 1 हो जाएगा अपॉन एक्स की पावर -1, अगर हम निहाल ले लो नीचे भी लेना पड़ेगा तो अपॉन एक्स -1 भी कर लेते हैं, तो इसकी हो जाएगी एक्स की पावर 256 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। देखिए यही आंसर होना चाहिए हमारा, ठीक है, देखिए यही आंसर है हमारा, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ आपको बता दिया जाए। देखिए अगर आपने एक्स माइनस 1 कर दिया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो एक्स स्क्वायर 4 माइनस 1 हो जाएगा, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो एक्स स्क्वायर 8 माइनस 1 हो जाएगा, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर 8 प्लस 1 और एक्स स्क्वायर 8 माइनस 1 तो एक्स स्क्वायर 16 माइनस 1 हो जाएगा। आप एक्स स्क्वायर 16 प्लस 1 और एक्स स्क्वायर 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर 32 माइनस 1 हो जाएगा, और ऐसे ही करते रहोगे, 32 ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर 64 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर आप एक्स स्क्वायर 64 प्लस 1 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करिए तो एक्स स्क्वायर इतना 128 माइनस 1 हो जाएगा, और इसको इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आखिर में तो इसके बाद 256 माइनस 1 हो जाएगा, और हमारा एक्सप्लेनेशन नीचे पहले से कॉमन था।
तो हमारा आंसर आ जाएगा 256 - 1 x, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी एफ इज एन एसोसिएटेड ट्रायंगल विद सच दैट डी एफ इज इक्वल टू दिस, ई एफ इज इक्वल टू दिस, डी इज मीडियन लेंथ। डायग्राम बनाते हैं, इससे हमें ज्यादा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये डी है, ये ई है और एफ है। डी 60 है, डी एफ भी 60 है, यानी हमारा एसोसिएटेड ट्रायंगल हो गया, क्योंकि 96 है, ई एफ 96 है। डी जी मीडियन टू ई एफ है, डी जी मीडियन है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो थर्ड साइड पे जब मीडियम बनाते हैं, वही हमारा परपेंडिकुलर होता है और दोनों को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीजी, हमें डीजी की लेंथ बतानी है। ओके, बता दो लेंथ। अगर 96 है तो 48 हो जाएगा, और ये 48 हो जाएगा, 62 होगा तो। ठीक है, अब हमारे पता है डीजीएफ, जो डीजीएफ ट्रायंगल है हमारा, ये क्या है, राइट एंगल्ड है। तो आप लगा लो पाइथागोरस थ्योरम, तो डी एफ स्क्वायर इक्वल टू डी जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर करोगे, सॉल्व करेंगे, इस वाले वैल्यू में डी इक्वल हो जाएगी 36। ठीक है, 36 क्यों, इसको देखिए 36, 48, 60। ठीक है, इनका रेशियो करोगे 3:4:5, हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट है, इन ट्राइंगल ए बी सी AD and AE are bisector of this and this. Angle BE पता है, AE पता है, EC पता है, तो ट्राइंगल AEC का एरिया बताओ। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इसे जगह बनाते हैं, जगह नीचे ज्यादा दिख रही होंगे। ओके, तो डायग्राम बनाते हैं, पहले डायग्राम ही बना देते हैं। हमें BAC और BAD का मैं बता रखा है, तो कर लेते हैं ए बी सी। तो बी ए सी का हमने बाइसेक्ट एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं, हमारा एंगल बाइसेक्टर है, दोनों बराबर एंगल के हो गए। और बी ए डी, बी ए डी का भी कर दिया हमने एंगल बाइसेक्ट। ठीक है, तो ए ई ओ यहाँ पे आ गया, बी ए ई 30 डिग्री है, इसकी वैल्यू 30 डिग्री है। ठीक है, ए ई की वैल्यू 9 है। ओके, ई सी की वैल्यू कितनी है, 15। तगड़ा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे ये। ठीक है, तो ए ई सी की एरिया बताओ। ओके, अगर ये 30 है तो इसकी वैल्यू भी 30 होगी। ठीक है, और इसके लिए हो जाएगी 60। तगड़ा, नहीं इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ट्रायंगल ए ई सी देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है, ट्रायंगल ए ई सी में 90 डिग्री हो गया है। ठीक है, क्योंकि एंगल 62 हो रहा है, तो एंगल बी ए ई और ई ए डी दोनों 30 डिग्री हो गए, और क्योंकि ए डी 65 है तो एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी 60 हो गया। ठीक है, क्या बोला मैंने, एंगल बी ए इक्वल टू एंगल ई ए डी इक्वल 30 हो गया। ठीक है, और एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल डी ए सी इक्वल टू 60 हो गया, इसके हिसाब से हमारे 90 डिग्री हो गया। इसको 9 है, इसको 15 है, ए सी को निकालोगे इसको हो जाएगी 12। ठीक है, तो एरिया निकालोगे तो 1/2 × 9 × 12, तो एरिया जाएगी 54। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज ओ, एंगल क्यू पी आर 55, क्यू आर पी इतना, तो ओ पी आर निकालो। सर्कम सेंटर है ना, ठीक है, हमारा ट्रायंगल है, हमारा ओ सर्कम सेंटर है, क्यू पी क्यू आर है ना, तो पी क्यू आर हो गया। ठीक, अब क्या था, क्यू पी आर 55 डिग्री है, ये हमारा 55 डिग्री है, क्यू आर पी 75 डिग्री है, ये हमारा 75 डिग्री है, इसको निकाल लो। ठीक है, तीनों का सम कितना होगा, 180, तो हो जाएगा 55 और 5 60 और 70 130, इसको हो जाएगी 50। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ओ पी आर, हमें ओ पी आर निकालना है, हमें इसके वैल्यू निकालनी है, किसकी, इसकी। ठीक है, ओ पी आर, ठीक है, ठीक है दोस्त, बहुत सिंपल है, आप इसके वैल्यू निकाल लो, ये जाएगा दुगुना, तो जाएगा 100। ठीक है, ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, मींस अगर दोनों बराबर हो गए तो ट्रायंगल ओ पी आर में देखिए,
ठीक है, ट्रायंगल ओपीआर में एंगल आर ओ पी 100 है और एंगल ओपी इजल टू ओ आर है, इसका मतलब एंगल ओ पी आर इजल टू एंगल ओ आर पी दोनों बराबर है, दोनों कसम कितना है 80, क्योंकि 100 यहाँ पे आ चुका है, दोनों कसम 80 है, तो फिर बराबर होंगे तो 40 आंसर जाएगा हमारा। ठीक है, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक वीडियो जल्द लेंथी हो चुकी है, शॉर्ट करते हैं हम, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कोड ऑफ लेंथ इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, व्हाट इज रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, सर्कल बना लो, ठीक है, कॉर्ड बना लो, कॉर्ड का मैंने सेंटर मान लिया, ये 32 हो गया, कॉर्ड की लेंथ कितनी है 120, दोनों 62 हो जाएंगे, तो ये 60, ये 60, रेडियस बताना है, तो यहाँ पे रेडियस निकाल लो, ये 90 डिग्री हो गया, 32 हो गया, 60 हो गया, स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, 32 पता से हम ओ पी मान लेते हैं, से हम क्यू मान लेते हैं, ट्रायंगल ओ पी क्यू में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो ओ क्यू की वैल्यू हो जाएगी, ओ क्यू की वैल्यू हो जाएगी 68। ठीक है, कैसे, अगर आप पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपको याद होगा तब इजीली कर लोगे, एक की वैल्यू 32 है, दूसरे वैल्यू 60 है, तो इनका रेशियो कर लो, 4 8 32, 15 6 60, तीसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 17, 17 6 68। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टिट्यूड्स दिस टू दिस, ओ ए की वैल्यू इतनी है, तो सेमी पैरामीटर की वैल्यू बताओ, ओ ए की वैल्यू। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है और कुछ नहीं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीन ऑल्टिट्यूड बना दी मैंने, ठीक है, तीनों ऑल्टिट्यूड में तीनों 90 डिग्री हो गए, आपको एक तो आपको याद ही होगा एक पॉइंट जहां इंटरसेक्ट करता है ऐसे वो बोलेंगे, इक्वल ट्रायंगल में क्या याद होगा आपको, जो ऑल्टीट्यूड है, मीडियन है, ठीक है, सब एक ही होते हैं, तो हमारा ए बी सी इक्वल ट्रायंगल हो गया, ओ की वैल्यू पता है, ठीक है, ओ की वैल्यू 16 है, ठीक है, तो ओ ए एल है ना, तो ओ एल की वैल्यू 8 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ओ ए इज टू ओ एल इज इक्वल 2:1, ठीक है, तो ए एल की वैल्यू कितनी हो गई, ए एल की वैल्यू हो गई 24, ठीक है, ए एल क्या हमारा हाइट है, ठीक है, ऑल्टीट्यूड है, मीन्स √3/2 ए, ए मैंने आपके माना साइड, तीनों साइड को ए ए मान लिया स्मॉल ए, ठीक है, तो ए इक्वल टू 24 × √3 मीन्स 48/√3। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू 3a/2, तो 3 × 48/√3 ये 24 और ये √3, तो एस क्वेल कितनी हो गई 24√3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर थीटा और फाई की वैल्यू इतनी है, टेन थीटा की वैल्यू इतनी है, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस फाई। दोस्तों बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टेन थीटा का √3 है, पता नहीं पेपर करने वाले ने किया क्यों नहीं वाला क्वेश्चन, तो tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री, और थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी है 5/2 मीन्स 90 डिग्री, ठीक है, तो फाई की वैल्यू कितनी जाएगी 30 डिग्री, तो cos 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री वैल्यू निकालो, मीन्स cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल ही है, ठीक है, तो करते हैं इसे, साइन 2x + 3y = √3/2, √3/2 मीन्स साइन 60 डिग्री मीन्स 2x + 3y = 60, ठीक है, फिर है cos 4x - 3y = √3/2 मीन्स cos 30 डिग्री मीन्स 4x - 3y = 30। अब जो दोनों मैंने ब्रैकेट वो बनाए हैं डब्बे, तो दोनों डब्बे को सम करोगे तो 6x = 90, तो x = 15, एक्स को 15 निकल गई, तो यहाँ पुट कर दो 15 × 30 + 3y = 60 मीन्स y = 10, y की वैल्यू 10 आ गई,
एक्स की वैल्यू 15 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, टेन सिक्स एक्स माइनस थ्री वाई, ठीक है। टेन सिक्स एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस टेन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री मीन्स टेन 60 डिग्री मीन्स √3 हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों, सही है हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 3 cot θ इक्वल टू 4 cos θ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos θ। ओके तो करते हैं 3 cot θ, आई थिंक जो जिसने पेपर दिया ना उसको ट्रिग्नोमेट्री डर लगता है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। cot θ वाले को आती है cos θ अपॉन sin θ, है कि नहीं, और हो गया 4 cos θ, तो cos θ कट गया, तो sin θ इक्वल टू 3/4। cos 2 θ की वैल्यू क्या होती है, cos θ इक्वल टू 1 - 2 sin²θ, ठीक है, कर लेते हैं 1 - 2 × 9/16, ठीक है। ओके तो 2 8 तो आ गया -1/8 हमारा आंसर। cos 2θ के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लिख लेता हूं, आप याद कर लीजिएगा। cos 2θ इक्वल टू cos²θ माइनस sin²θ, इसके हिसाब से हो जाएगा 2 cos²θ - 1, ठीक है, इक्वल टू 1 - 2 sin²θ, ठीक है, इक्वल टू 1 - tan²θ अपॉन 1 + tan²θ, ठीक है। cos θ के 2θ के इतने सारे फॉर्मूले हैं, आप याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, अ पर्सन ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज इतना, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द पोल। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। ये टॉप ऑफ पोल 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 15 मीटर है, ठीक है। पर्सन यहाँ पर है हमारा, ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है, हमें ए बी सी मान लेते हैं, हमें डिस्टेंस निकालना है बी सी, तो बी सी इक्वल टू 15√3 आंसर जाएगा। क्यों, मैंने आपको बता रखा है पहले ही, अगर किसी ट्रायंगल में 30 दे रखा हो यहाँ पे, यहाँ 60 दे रखा हो और यहाँ 90 हो, ठीक है, 30 का अपर लिमिट 1 होता है, 60 का अपर लिमिट √3 होता है, 90 का अपर लिमिट 2 होता है, इस टाइप से रेशियो होता है। तो अगर 1/√3 करो कि हमें 1 दे रखा है मीन्स 15 दे रखा है, तो हमें √3 वैल्यू निकालनी है, समय x को निकालनी है, तो सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 15√3 हमारा आंसर जाएगा, ठीक है। 1/√3 इक्वल टू 15/BC, बस यही करना है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है इफ cosec²θ प्लस cot²θ इक्वल टू 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके cosec और cot, ठीक है, आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो आप इजीली कर लोगे, cosec²θ इक्वल टू 1 + cot²θ होता है, ठीक है, इसको यहाँ पुट करना है हमें, तो 1 + cot²θ प्लस cot²θ इक्वल टू 7 मीन्स 2 cot²θ इज इक्वल टू 6 मीन्स cot²θ इक्वल टू 3 मीन्स cot θ इक्वल टू √3 इजिकल टू कॉट 30 डिग्री वाली होती है √3, ठीक है, मतलब क्या हुआ थीटा इजिकल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब हमारा आ गया पाई चार्ट, मीन्स हमारे क्वेश्चन जल्दी होने वाले हैं, ठीक है। द गिवन पाई चार्ट शोज द ब्रेकअप ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन, ठीक है, कोई इंसान सेविंग एजुकेशन इसमें इतने इतने परसेंट खर्च करता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, टोटल सैलरी है 50,000, तो रेंट में कितने था, रेंट में था 16%, तो 100% हमारा 50,000 है, तो 16% कितना होगा, ये होगा 16/100 × 50,000, 2 0 2 0 कट गए, तो हो जाएगा 8,000 हमारा आंसर, ठीक है 8,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल मेड बाय सेक्टर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन के द्वारा सेंट्रल एंगल कितना बन रहा है, एंगल, ठीक है, हमें इतना पता है टोटल परसेंटेज कितना होता है, टोटल परसेंटेज होता है हमारा, परसेंटेज होता है हमारा 100%। टोटल डिग्री कितनी होती है, ठीक है, एक पाई चार्ट में डिग्री होती है टोटल 360 डिग्री,
इसका मतलब आपने क्या समझा कि 100% इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। हमें कितना निकालना है, 26%। तो 26% कितना हुआ, कर लो 26/100 इंटू 360, ठीक है। 0 से 0 गया, ये 5 आया और ये 18 आया, और 18 नहीं करते से 13 कर लेते हैं, ठीक है। तो 13 6 78, 33 39 और 7 46 बट्टा 5 सॉल्व करते हैं, 5 9 45, 1 और 8 5 3 15, 93.6 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज हाउ मच परसेंट मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन सेविंग्स। फूड कितना है, हाउ मच मोर बोला है, मोर पे ध्यान दीजिएगा, 33% फूड है, सेविंग्स कितना है 20%, तो कितना परसेंट मोर है, 3%, 3% मोर है, ठीक है। हमारा बेस क्या है, सेविंग है, सेविंग है 20, तो 3% अपन 20% इंटू 100, टोटल कितना हो गया हमारा, 15% हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद है सही होगा, सही आंसर हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्लॉथ इज 3000, क्लॉथ का है हमारा 15%, ठीक है। तो हमारा गिवन हमारा 15% है 3000, ठीक है। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एजुकेशन, एजुकेशन कितना है 26%, 26% कितना कितना होगा, सॉल्व करोगे हो जाएगा 5200, ठीक है। तो सो नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, ओके लास्ट क्वेश्चन है, हाँ। सेंट्रल एंगल मेड बाय द सेक्टर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल इज हाउ मच मोर देन सेंट्रल एंगल मेड बाय सेक्टर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ इफ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल एंड क्लॉथ इज 4:3 रेस्पेक्टिवली। हमें गिवन क्या है, वैसे एक्सपेंडिचर ही गिवन है, तो फ्यूल, फ्यूल हमें दे रखा है, यहाँ पे फ्यूल दे रखा है, नहीं दे रखा, क्लॉथ दे रखा है ना, क्लॉथ 15% है कपड़े, ठीक है, क्लॉथ 15% है, ठीक है, और फ्यूल कितना परसेंट होना चाहिए, फिर हमें रेशियो देखा है 4:3 मीन्स फ्यूल अपॉन क्लॉथ, ये गिवन है, मीन्स इसे फ्यूल अपॉन क्लॉथ, क्लॉथ कर लो कितनी है 15%, ठीक है। तो फ्यूल कितना परसेंट हो जाएगा, फ्यूल इज इक्वल टू 3 5 15, तो 4 5 20, तो फ्यूल हो जाएगा 20%, ठीक है, फील हो गया 20%। क्वेश्चन क्या पूछा है, इज हाउ मच मोर पूछा है, ठीक है, हाउ मच मोर पूछा है, मोर कितना है 5, ठीक है, 5 है, डिग्री में पूछा है, मैं एंगल बताना है, ठीक है, 5%, ठीक है, 5% ज्यादा है, तो 5% कितना होता है हमारा, 5% कितना होगा, अगर 100% 360 डिग्री है तो निकाल लो, 5/100 इंटू 360, 1/20 मीन्स 18, हमारा आंसर हो गया 18, ठीक है दोस्तों। जो हमारा फ्यूल का परसेंटेज है वो था हमारा, आप समझ गए होंगे कि 20%, क्लॉथ का है हमारा 15%, ठीक है, इसके हिसाब से परसेंटेज निकाला, हमारा इंक्रीज है 5% ज़्यादा था, तो इसके बाद हमने सॉल्व कर दिया, ठीक दोस्तों। हमारे हमें 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, मुझे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो, ठीक है। अगर अभी तक आपको डाउट हो रहा था, मैं इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके बोल रहा था, जब मैं सोच रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप भी कर दूँ, क्योंकि तो व्हाट्सएप ग्रुप पे 200 से ज़्यादा मेम्बर हो चुके हैं, और मैं भी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बाकी मेम्बर्स एक्टिव है, ठीक है, और भी एडमिन है, ठीक है। कुछ दिनों में टेलीग्राम पे आने की सोच रहा हूँ मैं, आप बताइए टेलीग्राम पे आना सही रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें एक चीज़ है, इसमें कितने मेंबर्स ऐड हो सकते हैं, दूसरी चीज ये है कि इसमें नंबर शेयर नहीं होते, मीन्स वहाँ पे आराम से गर्ल्स भी आराम से आ सकती है, ठीक है, वहाँ पे आप किसी का भी फोन नंबर शेयर नहीं होगा, ठीक है, फोन नंबर शेयर नहीं होता है टेलीग्राम में, तो आप आ सकते हो, ठीक है। तो मैं कुछ दिनों में टेलीग्राम ग्रुप बनाता हूँ, नहीं तो जब बन जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, इसी के डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।